बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक पर। और हम लेकर आए हैं विशेष आपके लिए खास हमारी प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। और हमारे जो विशेष उपाय होते हैं मित्रों, ये संबंधित होते हैं आपकी समस्याओं पर आधारित होते हैं, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है आपके जीवन की जटिल से जटिल समस्या को सरल समाधानों से मुक्ति दिलवाना। और ऐसा ही आज हम आपके लिए विशेष उपाय लेकर आए हैं। आइए जानते हैं इस विषय पर। दोस्तों, आज जिस एपिसोड को हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बड़ा खास है। इस पेड़ के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाएं और कर्जों से छुटकारा पाएं। देखिए, जेठ का महीना है, ज्येष्ठ का महीना, और इस महीने में विशेष रूप से शिवलिंग पर कुछ विशेष पत्ते चढ़ाए जाते हैं। इस महीने में बिल्व पत्र कम हो जाता है, क्योंकि अब बिल्व पत्र छोटा है और वो उग रहा है और संपूर्णतः अपनी पूरी साइज वो सावन में पूरी करता है। इस महीने में विशेष रूप से शिवलिंग पर एक पत्ता चढ़ाया जाता है और उस पत्ते को चढ़ाने से शनि राहु केतु के दोषों से भी मुक्ति मिलती है और विशेष रूप से कर्जों से छुटकारा मिलता है। देखिए, ज्येष्ठ का जो महीना है वो महीना है हनुमान जी का, वो महीना है विशेष शनि का। इसी महीने में शनि जयंती भी आती है और विशेष आपको बताऊंगा, ये पूरा महीना है बरगद के उपायों का। इसी महीने में वट सावित्री का पूजन भी किया जाता है, इसी महीने में शनि का विशेष पूजन भी किया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कर्जे उतारने के लिए क्या उपाय करें। देखिए, विशेष रूप से कर्जों का जो संबंध होता है वो होता है मंगल और केतु से, और विशेष रूप से ये जो महीना है, ये खास तीसरा महीना, गर्मी का विशेष महीना, इसका संबंध मंगल और शनि से है। जो वट का पेड़ होता है, ऐसी कहावत है कि उसके अंदर रुद्र के 11 अवतारों का वास है, 11 अवतारों का। उसकी जो लटाएँ हैं वो वीरभद्र कहलाती हैं, उसके जितने भी पत्ते हैं वो सारे के सारे अणु कहलाते हैं, उसके जितने भी फल हैं उस पर भी अलग अलग अवतारों का वास है। किसी पे शरभ का वास है, किसी पे नंदी का वास है, किसी पे वृषभ देव का वास है, अलग अलग जगहों पर वास है। इसी पेड़ में 11 रुद्रों का वास माना जाता है और इसकी जड़ में तो मूलतः स्वयं परमेश्वर शिव हैं, लेकिन इसके जो पत्ते हैं वो मूलतः हनुमान जी से संबंधित होते हैं। और विशेष रूप से आपको बताता हूँ एक बड़ा छोटा सा उपाय, अगर आप किसी भी मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन या किसी दिन जिस दिन केतु का नक्षत्र हो, अगर ये उपाय कर लेते हैं तो विशेष रूप से आपको प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। क्या करना है आपको, आप 12 बरगद के पत्ते तोड़ लीजिए, उसे जल से धोकर साफ कर लीजिए और उस बरगद के पत्तों पर विशेष रूप से चंदन और चमेली के तेल के मिश्रण से क्रीम मंगल का जो है ये बीज लिखिए और उस पर मसूर की दाल डालकर 11-12 के 12 पत्तों पर आप विशेष रूप से ऋण मुक्तेश्वराय नमः ये बोलते हुए शिवलिंग पर ये 12 के 12 पत्ते आप अर्पित कर दीजिए। इस पूरे महीने में इस प्रयोग को करते रहिए, हर मंगलवार या शनिवार, आश्वस्त करता हूँ आपको कर्जों से निश्चित मुक्ति मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें आप ही का अपना चैनल एस्ट्रो तक। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।